तो इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी अब अल्पसंख्यकों पर नजर बनाए हुए है। लोकसभा चुनाव से पहले वोट बैंक बढ़ाने की तैयारी में बीजेपी जुट रही है और 68% वोट शेयर के लिए प्लान भी तैयार किया जा रहा है। मुस्लिम आबादी के लिए विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे, सूफी संवाद होगा, स्नेह सम्मेलन के आयोजन किए जाएंगे, राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद रोड मैप भी बनाया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे के साथ अब अल्पसंख्यकों पर नजर जमाए हुए है। वोट बैंक 68% करने के लिए कोर वोट के अलावा अल्पसंख्यक मतदाताओं पर फोकस है। विशेषकर मुस्लिम मतदाताओं तक पहुंचने के लिए कई सम्मेलन और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो अब तक जिन क्षेत्रों में मुसलमान वोटर्स ज्यादा है उन क्षेत्रों में बीजेपी खासतौर पर ये सम्मेलन करेगी। तो देखिए, बीजेपी के अल्पसंख्यकों पर नजर है, लेकिन इसके मायने क्या है। मध्य प्रदेश में कुल 12% अल्पसंख्यक वोटर्स हैं, कुल 6.5% इसमें मुस्लिम वोटर की संख्या बताई जाती है। 55 से 60 लाख कुल मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। इसके साथ ही 19 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 1 लाख से भी ज्यादा है। भोपाल में 22%, बुरहानपुर में 24% मुसलमान है। इसके अलावा 5 लोकसभा सीट है जहां मुस्लिम आबादी का सीधा प्रभाव भी पड़ता है। तो कुल 12% अल्पसंख्यक वोटर, और इसीलिए ये वोटर बीजेपी के लिए जरूरी है। तो महत्वपूर्ण खबर है, अल्पसंख्यकों पर फोकस इस लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी करने जा रही है।